हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे NCISM के द्वारा जो ऑफिशियली शेड्यूल आया है BMS के एकेडमिक ईयर का, उसके बारे में। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर हमारा कॉलेज अलॉटमेंट आ गया है, हमें कॉलेज में सीट मिल गई है, हमें फीस डिपॉजिट करवा दी है कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हमारे यहाँ, आप ये बता दीजिए कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। उसी के रिलेटेड ही आपकी वीडियो बन रही है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। इसमें आपको पता लगेगा कि आपके कब एग्ज़ाम होंगी, कब से आपका बैच स्टार्ट होगा और क्या क्या उसमें प्रोसेस होगी। तो आइए जानिए इस वीडियो में मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम NCISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए हैं, जहां पे आपको यहां पे मिलेगा कि ऑफिशियल इनका एकेडमिक कैलेंडर जो है 23-24 सेशन का BMS के लिए वो यहां पर है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, आपको पता लगता है कि आपके 1 नवंबर से जो इनका प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पे 1 नवंबर से है आपका। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट फॉर द एडमिशन इनटू UG प्रोग्राम BMS इन आयुर्वेदा। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी काउंसलिंग से में अपेयर कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो, चाहे वो EEEC की हो, वो आपकी 20 नवंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए, जो कि कॉलेज के द्वारा जो रिपोर्ट आती है वो सारी सबमिट हो जानी चाहिए। मतलब आपके लगभग आप मान के चलिए 18 नवंबर तक आपके सारी काउंसलिंग के राउंड हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे कोई भी राउंड हो, वो मोपअप राउंड हो, स्पेशल वैकेंसी राउंड हो, सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे आपके 20 नवंबर तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद कौन सा आता है, इनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, सर हम प्राइवेट कॉलेज से हैं, क्या हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा फैकल्टी के द्वारा जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज में होता है? तो लगभग हाँ, आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा प्राइवेट फैकल्टी के द्वारा। आजकल तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि दोस्तों उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी सारे बच्चे अट्रैक्ट हों प्राइवेट कॉलेज की तरफ और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रेगुलर बेस पे एडमिशन लेते रहें। इसलिए आजकल ये देखा गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और प्राइवेट कॉलेज एक कहीं ना कहीं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट प्रोफेशनल होगा, आपका प्रूफ होगा, मतलब पहला साल का जो सिलेबस होता है ना, पहले ऐसा होता था कि ये 4.5 साल का आपका जो एकेडमिक ईयर होता था उसको एक एक साल में आपके ईयर बेस पे डिवाइड कर देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, आपका 1.5 साल का बैच बन गया जिसमें आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। ये आप देख लीजिएगा, सीधी सी बात है, आपका जो BMS का एकेडमिक ईयर है वो 4.5 साल का है, उसके अंदर आपके 1.5 साल के सेशन रख रखे हैं, वहाँ पर आपके 1.5 साल में एग्ज़ाम हेल्ड होंगे और तीनों एग्ज़ाम का मिला के आपकी फाइनल जो डिग्री आएगी, अलग प्रोविजनल डिग्री आती है, उस पर आपके स्कोर मेंशन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल BMS 18 मंथ्स, सीधा सीधा लिख रखा है, 1 नवंबर से है, जो कि आपका 30 अप्रैल 2025, ध्यान से देखिए 2024 नहीं 25 है, 18 मंथ जहाँ पे पूरे होंगे, जहाँ पर 2025 आ जाएगी 30 अप्रैल की। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉलेज में अच्छी तरह से ये ट्रांजिशनल करिकुलम होता है, जो कि 15 डेज का होता है, और काफ़ी सारे कॉलेज इसमें मिस कर देते हैं। अगर आपके कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, आपके पास पूरा हक है, आपने कॉलेज को फीस दी है, आपके 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप अपनी क्वारीज को राइज कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे आप सरकारी से हो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट का टर्म टेस्ट, कॉलेज अपने बेसिस पे दोस्तों अपने बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए इंटरनल टेस्ट तो रखेगा, इसके अलावा जो आपके जो टर्म टेस्ट है ना, ये कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd-4th week of April 2024, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने दे रखा है। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, सर क्या कॉलेज में भी हमारे स्कूल की तरह गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं? तो नहीं, ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है वहाँ के, उसके बाद जो आपको गैप मिलता है 10 से 15 दिन का, वो होगा, और यहाँ पे जो करिकुलम में लिख रखा है समर वेकेशन एक बार मिल गया तो आपको अगले साल ही विंटर वेकेशन मिलेगा, समर वेकेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 वीक्स लिखा है, 3 वीक्स ऑफ मई एंड जून, 3 वीक्स मतलब आप मान सकते हैं 20 दिन 20-21 दिन, ये ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड टर्म टेस्ट भी लिखा है और यहाँ पे होल डेज भी लिखा है। दोस्तों आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन के लिए भी होल डेज मिलती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि आपके एग्ज़ाम ना ज़्यादातर रेगुलर होते हैं, मतलब गैप नहीं आता उनमें, तो आपने इस हिसाब से प्रिपरेशन कर देना है, बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा एक सब्जेक्ट को डिटेल में। अगर आप जितना हमारा पढ़ाया गया है ना उसको फॉलो कर लेते हैं, अगर आपको कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, घर से खुद से नहीं पढ़ा जा रहा कोई दिक्कत नहीं, बस आपने वीडियो को अच्छी तरह सुन लिया है ना, आप
आराम से दोस्तों 60% से अबव मार्क्स ले आएंगे, और मेडिकल के डिग्री में 60% से अबव बहुत अच्छी मानी जाती है, 70% से ऊपर तो डिस्टिनेशन आ जाती है बच्चों की, तो इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे हम पढ़ाएंगे पूरी यूट्यूब पर, कहीं पर आप सर्च कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक अच्छी BHU NIA जयपुर की फैकल्टी पढ़ा रही है, वहाँ से भी आपको टॉप क्लास फीचर्स हमको अपने एजुकेशन में प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब से वीडियो चाहिए। अगर आपको कल से वीडियो चाहिए स्टडी के बारे में, क्लासेस के बारे में, तो हम पहले ही आपके लिए वीडियो बना देंगे, जहाँ पे आपको अपना कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जमाने का मौका मिल सकता है आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले क्लासेस के अंदर ही। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी BMS के अंदर की, तो आपको एकदम से ऐसा उठपटा नहीं लगेगा कि एकदम से क्या ही पढ़ रहे हैं हम। पहले हम आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आपको क्लासेस चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था इनका ऑफिशियल शेड्यूल। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ये शेड्यूल हम आपको टेलीग्राम लिंक पर भी दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।